रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं सब ठीक हैं जी। तो आज मैं बना रही हूँ स्पैगेटी, कीमे वाली स्पैगेटी। तो स्पैगेटी ये मैं कल लेके आई थी, आपको मैंने वीडियो में दिखाया इम्तियाज सुपर स्टोर उधर से ये है। और साथ मैंने एक कीमा चूँकि फ्रीज हुआ था वो मैंने निकाल के तो रख दिया हुआ। ये कोलसन वालों की स्पैगेटी है। तो पहले मेरा प्लान था इस तरह मीट बॉल्स बना के उनकी बनाऊं, फिर मैंने कहा नहीं कीमे वाली बनाती हूँ, उसमें ज़रा थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको, क्योंकि वो फ्रीज़ हुआ है तो उसको मेल्ट करके फिर बनाना, उसमें फिर काफ़ी टाइम लग जाना था। तो इसलिए मैंने फिर यही प्लान किया है कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से ही कीमे की बनाऊँ और साथ में अपने अच्छे से प्यारे से व्यूअर्स के साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँ। तो ये मैंने पानी रख दिया हुआ है और इसके अंदर मैं एक चम्मच डालूंगी सॉल्ट, और जब ये फिर बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैं ये स्पैगेटी डाल दूंगी और एक चम्मच ऑयल, ताकि वो आपस में जुड़े नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं अब इसमें डालूंगी सॉल्ट, पानी में मैंने एक चम्मच ऑयल डाला है और एक मैंने चम्मच इसमें सॉल्ट डाला है। और मैं इधर में प्याज जो हैं वो भी मैंने रख दिए हैं क्योंकि टाइम कम था। तो अब इनको थोड़ा सा फ्राई करके इसके अंदर लहसुन डाल लूँगी और इसके बाद फिर बाकी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने लहसुन भी ऐड किया है और साथ में प्याज इसके ऐड किया है। दोनों चीज़ें मैंने कहा इकट्ठी हो जाएं। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये थोड़े से देसी स्टाइल से बना रही हूँ, वो इस तरह से, क्यों चूँकि जिस तरह से हम देखते हैं उसमें वेजिटेबल्स चलती हैं और सोया सॉस, चिली सॉस और दूसरी चीज़ें डालती हैं, तो वो मैं नहीं ऐड कर रही क्योंकि हमारे घर में नहीं पसंद किया जाता। तो बस देसी स्टाइल से जो देसी चीज़ें हैं वही मैं ऐड करूँगी। तो पानी चूँकि आप देख रहे हैं कि बॉयल हो रहा है, तो इसके अंदर मैं साथ ही डालूँगी स्पैगेटी अपनी। इसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया और साथ वो भी हो गए हैं, तो उनके अंदर मैं ऐड करूँगी कीमा। तो इसके अंदर जाएगा फ्रीज हुआ ये बकरे का कीमा है और साथ चूँकि ये फ्रीज था तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये जो सारा सेपरेट हो जाए, और फिर इसके बाद इसमें फ्राई करके ड्राई स्पाइसीज ऐड करूँगी। तो अब इसको मैं इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया और अब कवर करके तो रखूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक ये सेपरेट नहीं हो जाता जी। तो आप देख सकते हैं इनको बॉयल आ रहा है, तो हम चेक करेंगे इनको कि ये अच्छी तरह से गल भी गई हैं कि नहीं। तो अभी मैंने चेक की हैं, थोड़ी सी जो हैं वो मुझे सख्त लगी हैं और साथ में कीमा भी देख सकते हैं आप, वो भी हो रहा है। तो इसमें मैंने ऐड किया कीमा, कीमा तो पहले ही ऐड किया था। अब इसमें मैंने सॉस ऐड की है, पास्ता सॉस, और मैंने इसमें ड्राई स्पाइसेस जिसमें हल्दी पाउडर, सूर्ख मिर्च का पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, और ये ग्रीन चिलीज आप देख रहे हैं ये मैंने कटी हुई डाली है। तो अब मैं इनको फ्राई करूँगी, जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो जो स्पैगेटी है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। वैसे तो कीमा फ्राई पहले से ही मतलब गला होता है, लेकिन इसको मैंने मज़ीद इसमें अब पानी ऐड किया ताकि अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि ये मटन का है, चिकन का हो वो तो इसी तरह से बस फ्राई करें तो अब हो जाता। इसको मैं इस तरह से कवर करके तो अब रख दूँगी। मेरी मैक्रोनी रेडी है। इसको मैंने बाद में जब कीमा फ्राई हो गया था उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था, दोनों को मिक्स कर दिया था चीज़ों को। तो यही था कि मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।